नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। आज के इस वीडियो में ट्रांसफ़र रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का रूल 38 जो है, उसके बारे में एक नया ऑर्डर आया है, उन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। इससे पहले भी मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर पर वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें चेंजेज क्या हुए हैं उन सब के बारे में मैं डिटेल्स में बता दे रहा हूँ आपको। अभी एक ऑर्डर आया है 2 दिन पहले, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 31 जुलाई का ऑर्डर है, जिससे जो नए रूल आने वाले थे ट्रांसफ़र रूल को, उसको मंजूरी मिल गई है मिनिस्ट्री की तरफ से। और जो हमारे पोस्ट मास्टर, सबको ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है। मीन्स जो अपडेटेड ट्रांसफ़र रूल था वो अब डिपार्टमेंट में लागू हो चुके हैं, तो आप इसके तहत अपने ट्रांसफ़र, इसके अकॉर्डिंग जो है तो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेज हुए हैं, जो पहले वाले रूल थे अभी वाले रूल में क्या चेंजेज आए हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये लेटर में क्या लिखा है। ये गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रेगुलर ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप सी ऑफिशियल, ग्रुप सी और ग्रुप ई एम्प्लॉई जो है उनके लिए है कि ट्रांसफ़र रूल में जो चेंजेज हुए हैं, लेटर इशू हो चुका है। अथॉरिटी किसके किसके पास है, नेम ऑफ अथॉरिटी टू अप्रूव ट्रांसफ़र अंडर रूल 38 ए किसके पास है, पहले इसके बारे में जान लें। अगर आपका ट्रांसफ़र इंटर सर्कल है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है, मीन्स आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको CPMG, दोनों जो सर्कल के CPMG होंगे वो ट्रांसफ़र अप्रूव करेंगे। इंट्रा सर्कल है, मीन्स सेम सर्कल में, यहाँ पर रीजन चेंज हो रहा है, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, वहाँ भी आपको CPMG ही अप्रूव करेगा आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर। सेम सर्कल है और रीजन भी सेम है, उसमें आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है तो उस कंडीशन में PMG जो होता है उस रीजन का, वो आपको ट्रांसफ़र अप्रूव कर देगा। इसके अलावा कोई ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस मीन्स जो गाइडलाइंस दे रखा है कि आप किस गाइडलाइंस के तहत आप रूल 38 में एलिजिबल है ट्रांसफ़र के लिए, उसके अलावा कोई स्पेशल केस है, उस गाइडलाइंस के अलावा कोई केस बन रहा है, तो उस केस में जो डायरेक्टरेट है, पोस्टल डायरेक्टरेट, उसके पास अथॉरिटी होता है कि वो आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर को मंजूर करे। तो देखते हैं इसमें रूल में क्या आया है। जैसा कि गाइडलाइंस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अभी अंडर प्रोसेस था, लेकिन अभी फाइनल अप्रूव हो गया है कि एक ट्रांसफ़र रूल ही चलेगा, लेकिन उसमें कुछ नए चेंजेज हुए हैं। जो भी हुए हैं मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में बता दूंगा। पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी ये बता रखा था कि ये चेंजेज होने वाले हैं और ये चेंजेज हो गए और फाइनल अप्रूव हो गया, लेटर भी आ गया 31 अगस्त को। सबसे पहले तो ये है कि इसमें भी आपको 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट जनरल जो कंडीशन है ट्रांसफ़र के लिए रूल 38 का जो जनरल कंडीशन है, उसमें पॉइंट 1 में दे रखा है कि आपको प्रोबेशन पीरियड 2 साल का पूरा करना ही होगा, तभी आप रूल 38 के तहत एलिजिबल होते हैं ट्रांसफ़र के लिए रूल 38 में, तभी आप एलिजिबल होंगे। मैं मेनली जो मेन पॉइंट है बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स बहुत लंबा लेटर्स हैं, जो इसके गाइडलाइंस आए हैं बहुत लंबा है, तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला कंडीशन है कि 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद आता है कि आप अगर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे मोस्ट जूनियर होंगे, आपकी जो सीनियरिटी यहाँ पे हो ख़त्म हो जाएगी, आप वहाँ पे सबसे जूनियर होंगे। जैसा कि 4 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि रैंक जूनियर होगा आपका, जहाँ भी आप नए ज्वाइनिंग करेंगे रूल 38 में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जहाँ पे जा रहे हैं, यूनिट जो आपका नया यूनिट होगा वहाँ पे आप सबसे जूनियर होंगे। आपने 5 साल सर्विस यहाँ पे किया हो, लेकिन आप जब नए सर्कल में या जो यूनिट होगा वहाँ जाएंगे, तो जो आपसे 1 महीने पहले भी ज्वाइन किया होगा उससे भी आप जूनियर होंगे। सैलरी में आपका कोई फर्क नहीं होगा, सैलरी आपकी जो पुरानी वाली है वही मिलती रहेगी, लेकिन आपका रैंक कम हो जाएगा, वहाँ पर आप सबसे जूनियर हो जाएंगे। 5 नंबर जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि आप ट्रांसफ़र लेके किसी दूसरे यूनिट में चले गए, फिर से पुराने यूनिट में अगर वापस आना चाहते हैं तो आप वापस आ तो सकते हैं, लेकिन आपकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप जब पुराने जगह पे फिर वापस भी आ जाएंगे तो ये नहीं होगा कि आपकी सीनियरिटी जो पहले थी वो रह जाए, आपको फिर से सीनियरिटी जो होगी सबसे लोएस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट है इसमें दे रखा है, 6 नंबर वही है, वापस आने वाला रिट्रांसफ़र के लिए अपने सेम यूनिट में ही फिर वापस आने के बारे में दे रखा है। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर पॉइंट में उसी को क्लेरिफाई किया है जो पिछला पॉइंट था, उसी को और अच्छे से क्लेरिफाई किया है कि आप ओल्ड यूनिट में अगर वापस भी आ रहे हैं तो आप वहाँ पे भी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वही फॉलो होगा, आप मोस्ट जूनियर हो जाएंगे, उसी को अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है।
जो 8 नंबर पॉइंट है उसमें क्लियर दे रखा है कि आपका जो ट्रांसफ़र होगा सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरी में ही ट्रांसफ़र होगा। मीन्स जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट होंगे उनका जो ट्रांसफ़र होगा जो डायरेक्ट वैकेंसी में जो सीट बचते हैं उसमें ही होगा। जो प्रमोटी हैं उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो प्रमोटी का जो सीट है प्रमोशन से जो सीट होते हैं प्रमोशन वाले उसमें ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा यूअर कैंडिडेट यूअर वैकेंसी को फिल करेगा, एससी कैंडिडेट एससी को और एसटी वाले एसटी कैंडिडेट जो वैकेंसी होगी उसके अगेंस्ट जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जब आप ओबीसी कैंडिडेट भी जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद यूआर हो जाते हैं तो यूआर में ओबीसी और यूआर दोनों कैंडिडेट आएंगे, जबकि एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट को डिपार्टमेंटल रिजर्वेशन है तो उनको अलग से काउंट किया जा रहा है। यूआर में ओबीसी और यूआर दोनों काउंट होंगे। रूल 38 में जब इंटर सर्कल और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जब होता है तो इसमें एक और प्रोसेस है कि जो पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस है वो जो ट्रांसफ़र लेके भी जाएंगे तो पीए इन पोस्ट ऑफिस ही जाएंगे, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन आरएमएस ही जाएगा। इसमें सेविंग बैंक में जो है उनको सेविंग बैंक में जो सीट खाली है उसके अगेंस्ट उनको ट्रांसफ़र मिलेगा, रीजनल ऑफिस वाले रीजनल ऑफिस के लिए जाएंगे, सर्कल ऑफिस वाले सर्कल ऑफिस में जाएंगे। अभी तक जो कैडर प्रीफरेंस के बारे में मैंने बताया था कि सर्कल ऑफिस सबसे अच्छा है, रीजनल ऑफिस अच्छा है, सेविंग बैंक अच्छा है, इन सब में अब जो दूसरे स्टेट में जिनको पोस्टिंग मिल रही है उनके लिए थोड़े से दिक्कत हो सकता है। या अगर उस बैंक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं या सर्कल ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं तो जब रूल 38 के अगेंस्ट वो अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र के लिए तो सर्कल ऑफिस के लिए एलिजिबल होंगे। सर्कल ऑफिस में वैकेंसी कम होती है तो उनके लिए दिक्कत हो सकता है, ट्रांसफ़र में थोड़े से मुश्किल होंगे। पीए एसए के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ये ट्रांसफ़र रूल। तो अब ये बोल सकते हैं कि ये जो नया रूल आया है इसके अनुसार ये वाला ज़्यादा अच्छा कैडर प्रेफरेंस होगा कि जिनको अदर स्टेट मिला हुआ है वो पीए इन पोस्ट ऑफिस या एसए चूज करने से लिए उनके लिए ट्रांसफ़र ज़्यादा ईजी होगा कंपेयर टू सर्कल ऑफिस या सेविंग बैंक या फॉरेन पोस्ट जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इन सब जगहों पर वैकेंसी कम होगी तो आपको दूसरे सर्कल में ट्रांसफ़र लेके या अपने होम टाउन जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी अपना आगे देखें अगली वैकेंसी के बाद जो भी आगे रिक्रूटमेंट आएगा वो अपना ऐसा देख के भरें। 10 नंबर पॉइंट जो है वो इस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो कंडीशन वही है कि 2 साल आपका प्रोवेशन पीरियड पूरा होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल केसेज हैं यहाँ पे आप बिना 2 साल पूरा किए भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो स्पेशल केस के बारे में यहाँ पे दे रखा है कौन कौन से हैं जो 2 साल से पहले भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे ही हैंडीकैप जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जैसे लिख रखा है कि उनके केस में 2 साल का प्रोवेशन पीरियड अलाउ नहीं होगा, वो इससे पहले अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स ज्वाइनिंग के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं इस रूल के तहत। इसके अलावा स्पाउस केस है, मीन्स अगर कोई लेडीज है जो वर्किंग है किसी और सिटी में, उसके हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड के जॉब के बेसिस पे प्राइवेट जॉब को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। या तो आप गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो या पीएचयू हो ऐसे टाइप के ही जॉब कंसीडर किया जाएगा। तो स्पाउस के बेसिस पे भी वो भी 2 साल से पहले अप्लाई कर सकती है अपने होम टाउन के लिए या जहाँ पे उनके स्पाउस वर्किंग है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके केस में भी 2 साल का बाउंडेशन नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई फुली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हो, जैसे पेरेंट्स मेनली आते हैं, पेरेंट्स हो गया सन या डॉटर हो गया, तो उनको यदि कोई टर्मिनल इलनेस है और आप पे फुली डिपेंडेंट है इस कंडीशन में भी आपको 2 साल का जो प्रोवेशन पीरियड है उसको नहीं फुलफिल करना होगा, आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं ये 11 नंबर जो पॉइंट है इसमें दे रखा है कि अभी तक जो पिछला रूल था उसके अनुसार रूल 38 में आपको पूरे सर्विस में आपको 2 ट्रांसफ़र अलाउ थे। आप या तो इंट्रा सर्कल ले लें या इंटर सर्कल, कोई भी आप ले रहे हैं मैक्सिमम 2 ही आप जा सकते थे ट्रांसफ़र। यानी इस नए रूल में 2 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र आप एलिजिबल हैं, 2 इंट्रा सर्कल, मीन सेम सर्कल में भी आप तो 2 जगह पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं और सर्कल से बाहर भी 2 ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मीन्स टोटल अब 4 अलाउ है लेकिन 2 ही इंट्रा है 2 इंटर सर्कल है। इसके अलावा एक एडिशनल चांस मिल जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है फिजिकली हैंडीकैप जो पर्सन है उनको एक 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो उनके पास 5 ट्रांसफ़र रूल हो जाते हैं और इंट्रा सर्कल और इंटर सर्कल दोनों मिला के 4 और प्लस 1 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है और टोटल 5 के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। जो 13 नंबर पॉइंट है ये पीएसए के लिए नहीं है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है पोस्ट ऑफिस में जो एसपी होते हैं उनके लिए है। आगे देखते हैं ये वही है अथॉरिटी कि
कौन किसका अप्रूव करेगा ट्रांसफर ऑर्डर को उसके बारे में है। जो सी नंबर है, मेंटेनेंस ऑफ रिक्वेस्ट अगेन रिक्वेस्ट रजिस्टर एंड शेड्यूल फॉर ट्रांसफर अंडर रूल 38, ये अच्छा दे रखा है, एक नया ऐड भी किया है, पहले ये ऐसा नहीं था। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। इसका पॉइंट वन में बोल रहा है कि अप्लीकेशन जो है CPMG को इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या इंटर रीजन ट्रांसफ़र है, उसमें आपको CPMG को एड्रेस करके लेटर या जो अप्लीकेशन है उसको फॉरवर्ड करेगा। और यदि इंट्रा रीजन ट्रांसफ़र है तो उसके लिए आप PMG के एड्रेस करके लेटर लिखेंगे। दो नंबर जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि दो टाइप के रजिस्टर होंगे, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड ट्रांसफ़र रजिस्टर। जो आउटवर्ड ट्रांसफ़र मीन्स आप अपने सर्कल के कैंडिडेट जो होंगे दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें आउटवर्ड ट्रांसफ़र रजिस्टर जो होगा उसमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जो दूसरे सर्कल से कैंडिडेट होंगे उसको इनवर्ड में मीन्स जो बाहर से आ रहे हैं मेरे सर्कल को उसको इनवर्ड में रजिस्टर किया जाएगा, जो सर्कल छोड़ कर दूसरे सर्कल को जा रहे हैं उसको आउटवर्ड ट्रांसफ़र में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखते हैं आगे। इसके बाद है ये तीन नंबर पॉइंट जो है, जब आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो ये जो कंपोनेंट अथॉरिटी है CPMG या PMG है, वो आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है मीन्स जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं उसको आपको लेटर भेजेगा, जिसका रिप्लाई आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो 30 दिन में 30 दिन के अंदर भेजना है उसको। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं भेज पा रहा है तो मान लिया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके ट्रांसफ़र से, वो ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनवर्ड ट्रांसफ़र आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद चार नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि अगर वो आपको ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो ऑफिशियल है उसको रीजन आपको कम्युनिकेट करके बताना होगा कि किस रीजन से आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। पाँच नंबर पॉइंट बोल रहा है कि जितने भी सर्कल हैं उनको 60 दिन का टाइम दिया गया है कि वो अपना आउटवर्ड इनवर्ड ट्रांसफ़र रजिस्टर क्रिएट करें और उसको पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करें। तो मीन्स 31 जुलाई को ये ऑर्डर आया है तो अक्टूबर तक आप सारे सर्कल को टैग गया है कि वो आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर अपने पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करें और उसमें उसको क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया करेगा उसमें आउटवर्ड होगा तो आउटवर्ड रजिस्टर में उसका नाम दिखाया जाएगा, इनवर्ड कैंडिडेट इनवर्ड रजिस्टर में नाम दिखेगा और उसको इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे क्वार्टरली अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा दे रखा है कि जो वैकेंसी अनाउंसमेंट होती है, जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी एवरी ईयर अनाउंस होती है, तो वैकेंसी अनाउंस होने से पहले जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है पहले उसको कंसिडर किया जाए, उसके बाद जितने जिस सर्कल के लिए जितनी वैकेंसी खाली रहेगी या कम पड़ेगी वो अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिर से फिल किया जाएगा। ये 6 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है। देखते हैं आगे के पॉइंट्स। 7 नंबर जो पॉइंट है इसमें सब डिटेल्स दे रखा है कि कब कब क्या होगा। रूल 38 का जो है वो साल में एक बार ही रूल 38 से ट्रांसफ़र होगा, जो भी मतलब पूरे साल का ट्रांसफ़र जो होगा वो एक बार ही होगा। और इस पर जो कंसीडर किया जाएगा, जो मीटिंग होगी किसको ट्रांसफ़र मिले किसको नहीं, ये दिसंबर में होगा। 31 दिसंबर को इसका फाइनल लिस्ट आ जाएगा कि कितने कैंडिडेट को ट्रांसफ़र मिला है, कौन से सर्कल में मिला है, जहाँ आपने अप्लाई किया वहाँ मिला, ये सब डिटेल्स आपको 31 दिसंबर को हर एक साल में आ जाएगा। और जब 31 को ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन आपको 1 अप्रैल तक रिलीविंग ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप 1 अप्रैल के बाद जो नया सर्कल आपको अलॉट हुआ वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। तो मेनली डेट का यही, इस साल में रूल 38 का जो ट्रांसफ़र होगा वो साल में एक बार होगा, जिसका अनाउंसमेंट दिसंबर में होगा 31 दिसंबर को, और 1 अप्रैल को आपको रिलीव किया जाएगा पुराने वाले सर्कल से न्यू सर्कल ज्वाइन करने के लिए। इसके बाद 4 नंबर में आता है रिक्वेस्ट फॉर टेम्प्रोरी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। अभी भी ये एलिजिबल है कि आप टेम्प्रोरी बेसिस पर, परमानेंट नहीं हो रहा तो टेम्प्रोरी बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका डिटेल दे रखा है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें सब स्पेशल कंडीशन नहीं है कि स्पेशल कुछ कंडीशन है तो आप टेम्प्रोरी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉइंट 1, 2 दे रखा है आपको, 3, 4 जो भी है मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। पॉइंट 5 में जैसे दे रखा है कि जो टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होता है मैक्सिमम 3 साल के लिए होता है, इसको एक साथ या एक या दो स्पेल में ले सकते हैं, ऐसे करके टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र के सारे डिटेल्स हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही इसके बाद इसमें रोटेशनल ट्रांसफ़र, ये जो अभी न्यू गाइडलाइंस आई है
इसमें मेनली वही जो था जो मैंने पहले बता दिया, रूल 38 में जो ओल्ड वाले थे उनको ख़त्म करके जो 5 साल का टाइम पीरियड होता था, अब 3 साल, अब 2 साल कर दिया गया। प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के बाद अब एलिजिबल हैं। स्पेशल केस में आप PWD कैंडिडेट जो था, स्पाउस के केस में आप उससे पहले ही, प्रोबेशन पूरा होने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद ये जो है टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र, रोटेशनल ट्रांसफ़र, ये एक्स्ट्रा में ऐड किया गया है। अगर कुछ स्पेशल है तो इसके तहत भी आपको मिल सकता है। रोटेशनल ट्रांसफ़र में मेनली एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो रोटेट किया जाता है उसके बारे में डिटेल दे रखा है। आप सारे पॉइंट्स को आप ऐसे नंबर से देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आप ऐसे हैं। ये 20 नंबर जो पॉइंट है लेडीज़ जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए है कि उनका यदि रोटेशनल ट्रांसफ़र हो भी रहा है तो उससे पहले उनका जिस ऑफिस में ट्रांसफ़र वाला है वहाँ इसेंशियल एमिनिटीज लेडीज़ के लिए जो होना चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, इसका ध्यान रख के ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। बहुत सारे ऑफिस हैं पोस्ट ऑफिस के जहाँ पे मतलब लेडीज़ के लिए उतने अच्छे इसेंशियल जो एमिनिटी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो वैसे ऑफिस में उनका रोटेशनल ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। 7 नंबर जो पॉइंट है वो ध्यान से देख लें कि आप यदि कोई पॉलिटिकल अप्रोच लेके आ रहे हैं ट्रांसफ़र या पोस्टिंग के रिगार्डिंग, तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें। कोई आपको बोले कि मुझे इतना पैसे दे दो मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा, पोस्टिंग करा दूंगा, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। आपका जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, आप सब चीज़ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए था। मैंने ऐसे बहुत सारे जो ट्रांसफ़र रूल थे वो सब डिटेल्स में नहीं बताया। मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो PDF है, ओरिजिनल PDF फॉर्मेट है, वो आपको लिंक में नीचे शेयर कर दूँ। इसके अलावा जो मेरा इससे पीछे वाला जो ट्रांसफ़र रूल का वीडियो था वो भी आप देख लें कि पहला रूल क्या था, अभी चेंजेज क्या हुआ, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इसमें एक्स्ट्रा में चेंज क्या हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।